जब धनी इशारा करे रात के 8 का, तब वक्त होता है आरबीएसएच की आवाज का। नमस्कार, मैं हूं संजय भारद्वाज और आप देख रहे हैं आरबीएसएच की आवाज। हम हाजिर हैं आज की खबरों के साथ। तो ये ग्वालियर का फूटी कॉलोनी क्षेत्र मुरार में इस समय पूरी तरह से जहां लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, वहीं पर जैसा कि आप सभी को पता है कि फल सब्जी दूध इन सबको प्रशासन ने छूट दे रखी है, लेकिन फिर भी इनका कितना काम प्रभावित हो रहा है। रोज पहले ये कितने पैसे कमाते थे, आज कितना इनको दिक्कत हो रही है, इन सब के बारे में इनसे बात करेंगे। किसका ठेला है? क्या नाम है आपका? मेरा सर नाम दीपचंद है। दीपचंद जी, अभी कितने का सामान आप भर के लाते हैं? कितना सामान निकल? कम से कम 4-5 हजार का सामान भर के ला रहे हैं। इस टाइम कम से 1500 रुपए की दुकानदारी हो पा रही है एक टाइम पे जी। अच्छा, पुलिस के लोग आते हैं, कोई परेशान तो नहीं करता आपको? आते हैं, 12 बजे का समय देते हैं कि 12 बजे तक करो काम जी, उसके बाद बंद करो। पहले आप कहाँ लगाते थे? उस किराए पे लगाते थे। अच्छा, कोई आपके यहाँ फल खरीदने आता है तो बिगर मास्क लगाए हुआ आता है तो आप उसको रोकते हैं, कहते हैं कि मास्क लगा के आए? रोकते हैं। आप खुद क्यों नहीं लगाए मास्क? साफी बांध लेते हैं, साफी बांध लेते हैं, साफी बांध लेते हैं जी। आप कहाँ रहते हैं? क्या काम करते हैं आप? सब्जी का ठेला लगाते हैं। अभी सब्जी लगा रहे हैं? बिक रही है सब्जी? सब्जी क्या, बाजार तो अब बंद ही पड़ा है, बाजार बंद ही पड़ा है। तो ये सभी लोग, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर सब्जी के कुछ ठेले लगे हुए हैं, लोग बाग हैं जिनको थोड़ी परेशानी तो हो रही है, लेकिन इस लॉकडाउन का ये समर्थन कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस समय ग्वालियर में जगह जगह पर यही हाल है, ये फूटी कॉलोनी में कुछ लोग हैं। मैं अभी इनसे बात करूंगा, इनसे पूछूंगा कि इनको कितनी दिक्कत आ रही है। और सर एक मिनट, आप यहीं पर रहते हैं क्या? हाँ जी। ये आपको ना सब्जी वब्जी लेने में कोई दिक्कत आ रही है, अभी लॉकडाउन चल रहा है? हाँ सर, यहाँ पर मैं फूटी कॉलोनी से बोल रहा हूँ, मुरार ग्वालियर से जी। यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ पर हम सब लोग गरीब लोग रहते हैं, यहाँ पे रोजाना की मजदूरी करने वाले हैं। अगर एक दिन में अगर मजदूरी नहीं करेंगे सर तो इनका जो है बैंक बैलेंस जो है। तो आप प्रशासन से कुछ अपील करना चाहेंगे कि क्या करेंगे बताओ, कुछ सहायता आप लोगों की जाए? हमने जो रिक्वेस्ट है सर कि हमारे को जो है छुट्टी दिया जाए, कम से कम जो है मजदूरी किया जाए। नहीं, छुट्टी तो आप लोगों की चली रही है, लेकिन कुछ आप उम्मीद करते हैं? हम लोग बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे सर, अगर हम मजदूरी नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे सर, भूखे प्यासे बच्चे बड़े क्या करेंगे जी। भैया आप मास्क क्यों नहीं लगाए? मास्क साहब, गरीब आदमी कहाँ से पैसे कमाई कर। तो अभी सरकार की तरफ से कोई मास्क वगैरह आपको बांटे नहीं गए? किसी को भी मास्क नहीं बांटा? कुछ नहीं मिला है सर यहाँ पे। तो आप तो रुमाल वगैरह भी लगा सकते हैं, नहीं मिल रही है मजदूरी, नहीं मिल रही है काम है, बता जाने नहीं दे रहे हैं। तो दिक्कत आ रही है उससे? दिक्कत आ रही है। कितने लोग हैं परिवार में, कितने लोग हैं? हम तो 4-5 लोग हैं घर में। अभी दिक्कत आ रही है खाने पीने के लिए? खाने पीने सामान है कि नहीं है? दिक्कत है बहुत कुछ, बाहर निकलने दे रहे ही बोलो ना। वही तो इनका कहना है कि खाने पीने तक की दिक्कत आ गई है, अनाज खत्म हो गया है, और जो पैसे जो कमाते थे 100-200 रुपए मजदूरी करके कमाते थे वो भी नहीं कमा पा रहे। लेकिन सोशल डिस्टेंस आपको रखना है, थोड़ी दूरी बना के रखनी है, ये आपको पता है ना? आपको सभी लोगों ने बताया कि नहीं बताया? तो ये हाल है यहाँ पर। और मैं आपको बताऊँ कि लोग यहाँ थोड़े से अवेयरनेस की यहाँ पर थोड़ी सी कमी है, हालांकि पुलिस की गाड़ी आती है तब ये लोग अपने अंदर चले जाते हैं। आप लोगों को थोड़ा दूर दूर रहना है, मुंह पे मास्क लगा के रहना है, हाथ को धोना है, ये पता है? पता है सब लोगों को। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि खाने की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये वो लोग हैं जो रोज़ काम करने जाते हैं, 100-200-300 रुपये कमाते हैं, उस बड़ी मुश्किल से अपना घर चला पाते हैं। कुछ समय पहले प्रशासन ने इन लोगों के मकान भी कुछ लोगों के तोड़े थे, और तब से लेकर अभी तक ये अपनी आर्थिक स्थिति को सही नहीं कर पाए हैं। और ऐसे में लॉकडाउन भी अगर इनका हो अभी यहाँ पर हो गया है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानियाँ इस समय इनको हो रही हैं और ये उससे जूझ रहे हैं। और महंगाई कितनी हो रही है? तो मैं आपको इस समय जो नज़ारा दिखा रहा हूँ, जो 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 आप हालत देख रहे हैं, ये फूटी कॉलोनी मुरार क्षेत्र की है। शाम के 6:30 बज चुके हैं और यहाँ पर लोग अपने घरों से निकल करके यहाँ पर खड़े हुए हैं।
आपको मैं दिखा रहा हूँ पूरी फूटी कॉलोनी का जो एरिया है किस तरीके से यहाँ पर लॉकडाउन के साथ जो लोग हैं वो अपने घरों से निकल करके बाहर खड़े हुए हैं। और ये देखिए आप कि शासन ने मना किया हुआ है फिर भी तीन तीन चार चार लोग एक साथ खड़े हुए हैं। और इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है, शासन इनको टीवी पर बार बार ये मैसेज दिया जा रहा है, शासन प्रशासन भी बार बार ये मैसेज पहुंचा रहा है कि थोड़ा सा दूरी बना के रखें, लेकिन यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अशिक्षा एक बड़ा कारण है जिसके चलते यहाँ पर लोग जो हैं वो एक सोशल दूरी जो बना के इनको रखनी चाहिए वो नहीं रख रहे हैं। पुलिस की गाड़ी आती है तो ये सभी लोग अपने घरों के अंदर चले जाते हैं और पुलिस की गाड़ी के जाने के बाद फिर सभी लोग निकल करके बाहर आ जाते हैं। ये हाल है फूटी कॉलोनी का। सभी ज़्यादातर लोग यहाँ पर अशिक्षित हैं, हालांकि यहाँ पर अभी एक नया थाना यहाँ पर बन गया है। पुलिस की गाड़ी जाती है घूमने और लोगों को डराती है, समझाती है। उस समय कुछ लोग अंदर चले जाते हैं लेकिन उसके बाद फिर बाहर आ जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की और उनका यही कहना था कि शर्म खाएंगे क्या, इतने दिनों तक लॉकडाउन रहेगा तो हमारे घर पर खाने की समस्या आ जाएगी। जब मैंने उनसे पूछा कि आप लोग मास्क क्यों नहीं लगाए हैं तो उनका कहना था कि हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, हम मास्क कहाँ से खरीदें। ये जो पूरा क्षेत्र है ये काफ़ी अशिक्षित लोग यहाँ पर रहते हैं, गरीब लोग यहाँ पर रहते हैं। ये पूरी जो कॉलोनी है ये फूटी कॉलोनी के नाम से जानी जाती है, सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करके बसाई गई है। हालांकि उन लोगों का ये कहना है कि हमने ये प्लॉट खरीदे हैं, पर सच बात ये है कि 20, 30, 40 हज़ार रुपये में कोई प्लॉट खरीद करके जब उसका मकान बनाता है और उसके बाद जब प्रशासन आके बताता है कि ये अनलीगल है और उसको तोड़ दिया जाता है तो उस व्यक्ति की तो पूरी अर्थव्यवस्था ही ख़त्म सी हो जाती है। और वही हाल यहाँ पर इन लोगों का हो रहा है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी इसमें लगाई और उसके बाद यहाँ छोटा मोटा मकान खरीदा। अतिक्रमण की चपेट में अपने मकान गवा चुके इन लोगों का कोरोना ने रोजगार छीन लिया। फूटी कॉलोनी क्षेत्र के कुछ लोगों से हमने बात की। RBS लाइव इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं इस समय ग्वालियर के हुरावली क्षेत्र में हूँ। फूटी पारिक नाम से एक स्थान है जहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कुछ समय पहले प्रशासन ने काफ़ी स्तर पर मकान तोड़े थे। यहाँ की अर्थव्यवस्था पहले से ही काफ़ी डगमगाई हुई है और इस समय आपको जैसा कि पता है कि लॉकडाउन का तीसरा दिन चल रहा है तो इस समय यहाँ के लोगों की कैसी स्थिति है, रोजगार को लेकर के घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इनके खाने की व्यवस्था क्या हो रही है, शासन और प्रशासन की तरफ से इनको क्या मदद मिल पा रही है, इन सब की तहकीकात करने के लिए आज आपका चैनल RBS लाइव इंडिया आया है फूटी पारिक पर, जहां हम फूटी कॉलोनी में जहां हम इनसे बात करेंगे और इनकी समस्याओं के बारे में इनसे बात करेंगे। तो मैं अभी बात करूंगा जी, आपका क्या नाम है? अंजना परियार जी। परियार मैडम, अभी जो 21 दिनों का लॉकडाउन चल रहा है इससे कैसी कैसी समस्याओं से आपको जूझना पड़ रहा है? सबसे पहली समस्या है तो हमारा खाने पीने का ही रोजगार खत्म हो गया। हम लोग प्राइवेट काम करते हैं, काम करने के लिए जाना पड़ता है, जब ही आएगा खाने के लिए जब ही हम खा पाएंगे। अब काम ही नहीं है तो खाएंगे कहाँ से। तो आप जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी अभी बने हैं, इन सबसे क्या कहना चाहते हैं कि आपकी जो व्यवस्था है वो किस तरीके से सही हो सकती है, क्या उनको करना चाहिए आपके लिए? हमारा राशन कार्ड तक नहीं बनाया उन्होंने, हमारे हम लोग सामान्य वर्ग में, वो हमको लेके चल रहे हैं। सामान्य वर्ग वाले क्या गरीब नहीं होते हैं क्या? गरीबी के नीचे जो आ रहे हैं उनको राशन कार्ड है, उनको 3 महीने के लिए राशन दे रहे हैं, उनको सिलेंडर दे रहे हैं,
और हम जो गरीब हैं, जो गरीबी से भी नीचे गरीबी की जिंदगी है, हम लोगों की EMI भी चल रही है और उसका साधन भी नहीं है इनकम का, और कोई जरिया नहीं है हमारे कमाई का, घर में भी कहाँ से खाएंगे, पत्थर तो खा नहीं सकते हम। तो अभी आपकी स्थिति बहुत खतरनाक है। बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। घर में कौन कौन लोग कमाने वाले हैं? कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ कमाने वाली। क्या करते हैं आप? मेरा मार्केटिंग सर्वे का काम है। तो अभी पूरी तरह से बंद है वो? वो टोटल बंद है इस समय। डेली के कितने पैसे कमा लेते थे आप? डेली का इसमें कोई नहीं है, जॉब आ गया तो कर लिया, नहीं तो नहीं करा, ऊपर से बीमारी ने घेर रखा है मुझे। अभी घर से बाहर निकल पा रहे हैं आप? नहीं निकल पा रहे। घर से बाहर जब जाए ना, जब पैसे हुए, पैसे ही नहीं है जेब में, तो घर से बाहर क्या करेंगे जाके। तो अभी किसी भी तरह से कोई मदद नहीं मिली आपको? कोई मदद नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं काफी गंदगी है, मतलब ये सफाई वाले कुछ लोग आ रहे हैं? कोई नहीं आता यहाँ पर, कभी नहीं आता, ना बस गाड़ी आती है। लॉकडाउन चल रहा है इसलिए नहीं आ रहे? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, ये कॉलोनी जब से बसी है, इस कॉलोनी में कोई कर्मचारी ना झाड़ू लगाने आता है, ना कचरा उठाने आता है, हम ही लोग झाड़ू लगा के जला देते हैं कचरे को। लेकिन वो कब तक करेंगे ये चीजें? वो तो बढ़ेगा ना, घटेगा तो नहीं ना। अच्छा, लॉकडाउन जिस कारण से हुआ है, कोरोना वायरस के बारे में तो आपको पता ही होगा? बिल्कुल पता है। तो उसके लिए आपने सेफ्टी के लिए मास्क भी लगा रखा है? आपको तो टीवी पर न्यूज पर देख रहे हैं, तो लगा लिया। तो वो जरूरी भी है, आपको लगता है कि जरूरी है लोगों के साथ में डिस्टेंस रखना चाहिए, ये चीजें फॉलो कर रहे हैं आप? जरूरी तो है, जान तो सभी को प्यारी होती है ना जी, तो अपनी जान बचाने के लिए तो करना पड़ेगा। अभी खाने के लिए राशन कितना है आपके यहाँ? अभी 21 दिन का लॉकडाउन है, 12 तारीख तक चलेगा, आपके पास राशन पानी की व्यवस्था है घर में कि नहीं है? ज्यादा से ज्यादा एक दिन की या दो दिन की, उसके बाद दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज्यादा परेशानी में आएंगे, रात दिन टेंशन में जी रहे हम तो। चलिए, शासन ने कुछ नंबर भी जारी कर रखे हैं होम डिलीवरी के लिए, आपको जानकारी है उसकी? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं है। नंबर कुछ अभी मैं आपको दूंगा, कुछ नंबर उन्होंने कर रखे हैं, घर से बाहर आप नहीं जा पा रहे तो उन नंबरों से आप फोन करके होम डिलीवरी मंगा सकते हैं। तो लेकिन पैसा तो हो ना होम डिलीवरी के लिए, बिना पैसे के होम डिलीवरी किस काम की? बिना पैसे के होम डिलीवरी किस काम की, ये कहना है फूटी कॉलोनी में रहने वाली जो मैडम है इनका। अभी एक सज्जन और है, उनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा अरविंद सिंह परियार। परियार जी, आप क्या काम करते हैं? मेरी सिविल टेक्निकल के नाम से दुकान है। कहाँ पर? सिरौल में। कितने दिनों से दुकान बंद है आपकी? 5-6 दिन से दुकान बंद है। तो पूरी तरह से आपका जो काम है, धंधा है, वो पूरी तरह से बंद है? हाँ, दुकान ही नहीं खुल पा रही है, ना कोई आना जाना हो रहा है। तो आर्थिक रूप से आपको जो है कितनी परेशानी आपको उठानी पड़ रही है? वही घर का खर्चा कैसे चलेंगे, अभी तो 4-5 दिन हुए, जो बजट था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है जी। अभी घर में जो खाने पीने की व्यवस्था है सामान की, कितने दिनों की है? हाँ, 4-5 दिन की व्यवस्था तो हर कोई लेकिन चलता है। अच्छा, जो नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना वायरस को लेकर के 21 दिनों का लॉकडाउन किया है, उसका आप लोग पूरी तरह से पालन कर रहे हैं? हाँ जी, उसका पूरा पालन कर रहे हैं हम लोग सब, पूरे होम स्टे। पुलिस या प्रशासन के लोग कुछ आए हैं आपकी कॉलोनी में? हाँ, पुलिस प्रशासन के आते हैं, जैसे बाहर तो नहीं खड़े हैं, कोई ज्यादा मिल तो नहीं रहा है, कोई आदमी बाहर से तो नहीं आ रहा है, अदर स्टेट से तो नहीं आ रहा है जी, इस तरह के पूछ के वो चले जाते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे आप शासन से, प्रशासन से, जो हमारे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? शासन प्रशासन लगा हुआ है, वो भी अपने काम कर रहे हैं, उनको तो यही नहीं है कि हमको ही बचाना है, उनको तो पूरा देश में लगे हुए, देश की सुरक्षा में लगे हुए, कैसे क्या करना है, हमको भी धैर्य रखना चाहिए। जैसी जैसी सरकार, राज्य सरकार है, केंद्र सरकारें करेंगी, उस तरह का तो आप लगातार इस मुहिम को सपोर्ट करते रहेंगे जी। जी, हमारे साथ में एक सज्जन हो रहे हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आइए जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नरेश कुमार झा। क्या करते हैं झा साहब? मैं इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाता हूँ। कहाँ पर? ये MH चौराहे मुरार पे। तो अभी दुकान आपकी बंद है? हाँ, अभी बंद है। भाई, आपने स्वेच्छा से बंद की या किसी ने आके बंद कराई पुलिस? नहीं नहीं, अब टाइम ही नहीं मिलता उनको, केवल 2 घंटे का समय देते हैं, तो 2 घंटे में कोई काम हो नहीं पाता जी, इस चक्कर में बंद ही करना पड़ी है। तो कितने पैसे रोज कमा लेते थे आप? करीबन 200 रुपये पर डे के सर। अभी वो सब कुछ आपका बंद हो गया है? टोटल बंद। तो घर की जो व्यवस्था है, घर में कितने लोग हैं आपके? घर में 4 लोग हैं। तो अभी जो घर की व्यवस्था है वो कैसे पूरी हो पा रही है, मतलब जो खर्चा पानी वो आपका कैसे चल रहा है? देखो मैं बताऊं, करीबन 1000-2000 रुपए डले थे, तो बाकी वो राशन आ गया 5-7 दिनों का, बाकी उसके बाद में व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी और कुछ जी। सौरभ को, अभी सौरभ को, अभी जैसे जो आपने बताया है कि मतलब जो कोरोना वायरस है वो तो बहुत खतरनाक है, और अभी 21 दिनों का तो लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी ने किया ही है, तो उसके बाद अगर मान के चलो थोड़ा बहुत इसमें और बढ़ता है तो दिक्कत आएगी क्या? हाँ बिल्कुल दिक्कत आएगी सर, क्योंकि ये 31 तारीख तक तो आदमी झेल जाएगा इस चीज को जी, फिर बाकी जो 14 दिन आने वाले हैं उसमें नहीं झेल पाएगा। तो मेरे हिसाब से शिवराज सिंह चौहान जी को जी
जो कि सीएम साहब है हमारे यहाँ के, उन्हें ये व्यवस्था करना चाहिए कि घर घर जाके जो भी है मतलब जो पैसा इकट्ठा नहीं आदमी पे, तो घर घर जाके उनको राशन पानी वितरण करें। घर घर जाकर के राशन पानी की व्यवस्था इनको करनी चाहिए, शासन प्रशासन से ऐसी ये अपील कर रहे हैं। और मैं आपको दिखाऊं कि ये पूरा देख रहे हैं आप, कच्चे मकान बने हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा स्थिति पहले से ही खराब थी, बीच में अभी प्रशासन ने कुछ मकान इनके तोड़े भी थे, और उसके बाद अब हालत ये हो गई है कि जो 200 रुपये डेली के ये कमाते थे, 300 रुपये 250 रुपये जो डेली के कमाते थे, वो पैसे भी अब नहीं कमा पा रहे हैं। कहना है प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, शासन के साथ हैं, प्रशासन के साथ में हैं, लेकिन प्रशासन को भी हमारी तरफ थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और हमारे अभी एक दो दिन की तो दिक्कत है नहीं है, चलो हम जो घर में हैं उससे काम चल जाएगा, पर आगे चलकर दिक्कत आएगी, अगर ये आगे और बढ़ेगा तो दिक्कत आएगी। एक युवक और हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शुभम। शुभम जी क्या करते हैं आप? जॉब कर रहे हैं। कहाँ पर जॉब कर रहे हैं? होटल में जी। होटल? होटल जी, बस स्टैंड। बस स्टैंड होटल पर काम करते हैं। कितने पैसे मिलते हैं? 5-6 हज़ार रुपये। कितने लोग हैं परिवार में? परिवार में तो 6-7 लोग हैं। 6-7 लोग हैं। तो अभी जब से काम बंद हुआ है, होटल मालिक ने आपको बंद कर दिया था? होटल ही बंद हो गया? तो लॉक ही पड़ा है उसमें, होटल में लॉक पड़ा। तो क्यों बंद है आपको पता है? वो वायरस के चक्कर में। वायरस के चक्कर में? वायरस कितना खतरनाक है आपको पता है? तो उसकी सेफ्टी पूरी कर रहे हैं आप? सैनिटाइजर, हाथ धोते हैं, सब कुछ? और बच्चों से और जो भी कोई बड़े हैं उनसे थोड़ी दूरी वूरी? घर में भी रहती है? घर में ही रहते हैं सर। अच्छा, तो अभी जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी है और कितने दिनों तक की व्यवस्था अभी घर में है? आर्थिक स्थिति तो 6-7 दिन तक हो रहा है बस, तो उसके बाद तो गंभीर स्थिति हो जाएगी। गंभीर स्थिति हो जाएगी। बाजार में तो राशन सब बहुत महंगा मिल रहा है। क्या अपील करते हैं आगे सरकार से? अपील करते हैं कि हेल्प कर रहा था जी। कुछ बच्चे भी हमारे साथ में, हम इनसे भी बात करेंगे। बेटा स्कूल बंद है? हाँ। घर पे पढ़ाई हो रही है? थोड़ा सा दूर नहीं रखी है कि? हाँ। पढ़ाई करते हैं घर पे? हाँ। अच्छा, घर में जो पेरेंट्स हैं उनसे भी दूरी रखते हैं? हाँ, उनसे थोड़ी बहुत दूरी को बनाने का टीवी में दिया जाता है और हम बहुत सा करते भी हैं। करते भी हैं? हाँ। जी, आपका क्या नाम है? हिमाय। आप भी अपने परिवार में मम्मी पापा के साथ में थोड़ा दूरी बना के रखते हैं? हाँ, रखते हैं। क्यों रखते हैं? कुछ पता है आपको क्या हो रहा है देश के अंदर, क्या चल रहा है? वायरस। कौन सा वायरस? कोरोना वायरस। तो बच्चे को ये नाम अब इस समय जवान पर है, कोरोना वायरस से सभी लोग यहाँ तक है कि परेशान है। और साथ में एक परेशानी जो सबसे बड़ी इनके सामने खड़ी हो गई है वो है आर्थिक रूप से तंगी की। जो 200-250-300 रुपये कमाने वाले लोग हैं, जो कोई होटल में काम करता है, कोई सेल्समैनी का काम करता है, आज उनके घर में खाने के लिए दिक्कतें आ गई हैं, राशन खत्म होने जा रहा है। 20-21 दिन का जो लॉकडाउन है उसका पूर्ण तरह से पालन करने के लिए सभी लोग तैयार हैं, लेकिन साथ साथ में इनका कहना है कि आगे चल करके यदि हमारे घर में खाने की दिक्कत होगी तो इसकी व्यवस्था प्रशासन अभी से थोड़ा सोचना शुरू कर दे कि हमारे यहाँ उस खाने की व्यवस्था के लिए अनाज या सब्जी या दूध जो भी जरूरत का सामान है वो हम तक पहुँच जाए, शासन हम तक पहुँचा दे, ऐसी उम्मीदें लगाए हुए हैं। आज की खबरों में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे आपसे अगले बुलेटिन में। आप देखते रहिए RBS न्यूज, सच की आवाज। जय हिंद, जय।